हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की जर्नल एंट्री और क्या क्या टॉपिक बस मैं इतना कहूंगा क्लास या अप्रोक्सिमेटली 20-30 मिनट्स की वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर अच्छे से ए टू जेड रिविजन हो जाएगा कंप्लीट अगर आपको अच्छे लगे तो कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रिविजन कैसा हुआ राइट चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इशू ऑफ डिबेंचर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन क्लास लगभग टू टू थ्री मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन रहेगा क्लास आपका फाइव मार्क्स का मतलब अगर हम बात करें तो लगभग क्लास सात आठ नंबर का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब ये जो क्वेश्चन रहेगा इस दो टॉपिक में से रह सकता है सबसे पहला आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी में से और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा अदर देन कैश में से और मैं तुम्हें सारी एंट्री सब कुछ अच्छे से रिवीजन करा दूंगा इस पर्टिकुलर, आ, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर राइट right? अब जो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें एक मिक्स क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक पॉइंट तो नहीं पूछा जा सकता फाइव मार्क्स में वो कई सारे पॉइंट्स आपको दे देगा लाइक like वो आपको दे देगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को निकालो साथ में आपको ये भी कह सकता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करो या वो आपको कह सकता है इस पाँच नंबर क्वेश्चन में कि आप इशू की एंट्री पास करो जब रिडीम प्रीमियम पे हो रहा होगा ध्यान समझना अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आप इशू की एंट्री पास करो या कह सकता है लॉस ऑन लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री पास करो या लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाओ तो आप अगर इन सबको करोगे तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तो आपको दिन भर अकाउंट ही पढ़ना है अगर आपने तनबंधन लगा के दो घंटे अच्छे से इसको पढ़ लिया अच्छे से दिमाग में किसी दूसरी चीज के आए बिना ही तो आपका आराम से प्यार से अच्छे से कवर हो जाएगा पूरा का पूरा ये चैप्टर, राइट? तो मैं तुम्हें एक एक करके सारी के सारी एंट्री अच्छे से समझाऊंगा कैलकुलेशन वगैरह भी दिखाऊंगा और पूरी तरीके से तुम्हारा इश्यू ऑफ डिबेंचर जीरो जैसा रिवीजन बिफोर एग्जाम चाहिए होता है वैसा रिवीजन हो जाएगा मैं इसमें क्लास सब कुछ सिखा दूंगा आपको राइट सबसे पहली बात थ्योरी uh, की अलग से सीरीज कवर है थ्योरी की सारी वीडियोज़ आ रही होंगी उसके अंदर बट फिलहाल सिर्फ हम नीमेल की बात करेंगे थ्योरी आता भी नहीं डिबेंचर से बहुत कम चांस है डिबेंचर इश्यू करने की जो एंट्री कॉप में लिखते चलो या फिर अगर आता है तो रिविजन करते चलो राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अगर कोई बच्चा एक ही इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन लिखता है तो भी ठीक है अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखता है तो भी ठीक है बराबर नंबर मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पहली एंट्री होगी दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज नाइन परसेंट टेन परसेंट जो भी होगा टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट पहले एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन दूसरी एंट्री डिबेंचर 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 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अगर इशू पे हुआ है तो ये दो एंट्री करोगे अगर डिबेंचर इशू प्रीमियम पर हुआ है अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो आप नीचे लिख दोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप एग्जामिनेशन में पूरा लिखना शॉर्ट मत लिखना अगर ये डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ है तो आप डेबिट करोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अब आप प्रीमियम डिस्काउंट में से जो भी क्वेश्चन बोलेगा जैसे बोलेगा आप वो कैलकुलेट कर लोगे और प्रीमियम और डिस्काउंट जब भी निकलता है वो फेस वैल्यू पर ही निकलता है किस पे फेस वैल्यू पर अब समझना अगली बात अगर डिबेंचर आपने इशू किया है तो पक्की बात है डिबेंचर रिडम्पशन भी होगा अगर आप डिबेंचर को इशू करोगे तो पक्की बात है डिबेंचर्स को आप रिडीम भी करोगे तो अगर आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है अगर आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है और वो रिडम्शन प्रीमियम है बेटा कान खोलो और ध्यान से सुनो पक्का आएगा ये गारंटी है आएगा ही आएगा तो बाद बात बोलना सर ने बताया नहीं था राइट वीडियो को शेयर जरूर कर देना सारे दोस्तों में राइट ठीक है तो ये क्लास आना ही आना है तो ध्यान से सुनो अगर रिडम्शन प्रीमियम पर हुआ तो इशू की एंट्री में डेबिट में तुम क्या लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स तो अगर मान लो दस रुपए है तो ऊपर भी दस नीचे भी दस सिर्फ लॉस को बुक करना होता है और कुछ नहीं कि हाँ हमें पांच साल बाद नुकसान हो रहा होगा एक तो इस एंट्री से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बोलेगा इतने डिबेंचर इशू किए हैं इतने का एक है प्रीमियम पे या पार पे जिस पे भी इशू किया है रिडमशन प्रीमियम पे हो रहा है तुरंत दिमाग में सुनील सर याद आएगा अच्छा सुनील सर ने कहा था भूलना मत भूलना मत आपका जो भी नाम है लाइक आपका नाम सुनील था बोलो सुनील भूलना मत अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो जैसे तुम रिडमशन प्रीमियम पे देखोगे दिमाग तुम्हारा धक धक करेगा बोल दिमाग बोलेगा मतलब कि भाई ये ध्यान रख यहाँ पे लॉस ऑफ डिवेंचर लिखना है और प्रीमियम रिडम्पशन लिखना है जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम हो रहा है उतना अमाउंट आपको ऊपर नीचे लिख देना है जितने डिवेंचर मल्टीप्लाई कर देना है ये तो हो गया क्लास नॉर्मल इसकी एंट्री अब समझना अगर यही अगर कोई बच्चों सर अगर दो किस्त है लाइक अगर दो इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन भी है तो अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन की एंट्री नॉर्मल होगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री में फिर प्रीमियम डिस्काउंट आएगा और अलॉटमेंट की एंट्री में ही अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मान लो आपके ये डिवेंचर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर प्रीमियम है तो क्रेडिट डिस्काउंट है तो डेबिट और रडमशन पे प्रीमियम है वो भी अलॉटमेंट की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रडमशन आता है हर चीज अलॉटमेंट की एंट्री में आती है बट इस क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट है ही नहीं एक ही इंस्टॉलमेंट है ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही इंस्टॉलमेंट मिलेगा आपको तो

ये देखो दोनों को डेबिट किया था इन दोनों को डेबिट किया था अब इन दोनों को हमें राइट ऑफ करना है लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन दोनों चीज को हमें राइट ऑफ करना है सर राइट ऑफ का मतलब खत्म करना है तो अगर कोई चीज़ डेबिट है उसे तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम उसे क्रेडिट करोगे तो डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट होता है ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन दोनों को राइट ऑफ करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे तो मैं एक साथ लिख देता हूँ टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट, राइट इन दोनों डेबिट के आइटम को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर रहे हो तो कुछ चीज डेबिट भी तो करोगे तो क्या क्या चीजें डेबिट करोगे तो सबसे पहला है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट तो सबसे पहले आप एस से पैसा लोगे अगर है तो ठीक है एसपीआर टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा नहीं है तो आप पैसा कहाँ से ले सकते हो कैपिटल रिजर्व से तो एस डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अगर ये नहीं है तो यानी कि आप इन तीन चीजों से इस डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हो और राइट ऑफ की एंट्री आप तभी करोगे जब क्वेश्चन आपको कहेगा या हिंट देगा ओके तो यानी सबसे पहले एसपीआर फिर सीआर फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑपिल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर तो ये भी आ सकता है अब तो तुम्हें ये दोनों अकाउंट बनाने को पूछ सकता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट पूछ सकता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट तो मैं तुम्हें अकाउंट भी बना के दिखा देता हूँ तो हालांकि एंट्री जनरल एंट्री पे थी बट मुझे तो आपको सिखाना ही है आप कैसे भी सीख लो राइट तो ये क्लास आपका फॉर्मेट हो गया ये आपका फॉर्मेट हो गया अब हमें करनी है एंट्री ठीक है ध्यान समझना तो हम सबसे पहले बनाते हैं डिस्काउंट थोड़ा पेपर है क्लास इसलिए मैं हरी में हूँ कि बहुत सारी वीडियोस बनानी है और आप लोग भी बहुत जल्दी में चाहता हूँ ज्यादा टाइम लगे ना आपका तो इसीलिए फटाफट फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि ये बिफोर एग्जाम रिविजन है वन शॉट भी आ रहा है बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हो लेकिन हाँ वीडियोज अगर आप दो घंटे की देखते हो तो यू मस्ट नीड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट टू आवर्स सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है वीडियो देख लिया आपने बट पेपर में तभी सवाल बनेगा जब आप उसकी सेल्फ स्टडी करके गए हो गए आप तभी सवाल बनेगा तो प्लीज आप जो जो देख रहे हो उसकी प्रैक्टिस कर लो जो जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लो इनफ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और यहां पर है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओके अब मेरी बात समझना

पूरा राइट ऑफ करना है नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पे तो है ही अगर एसपीआर और सीआर नहीं है तो सॉरी बाय एसपीआर बाय सीआर बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और एक बात मैं तुम्हें सबको सब पहले ही कह देना चाहता हूं कि तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हें उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा ये जिंदगी का क्लास उसूल ही है जितना ज्यादा तुम्हें, तुम्हें तुम चीजों को जानने की कोशिश करोगे तुम्हें तो उतना ज्यादा एहसास होगा कि यार तुम्हें कितनी सारी चीजें नहीं पता थी और आगे तुम्हें कितनी सारी चीजें नहीं पता हैं वो जेनुइन चीज है वो, वो होती है कोई नो बडी इज परफेक्ट कोई भी परफेक्ट नहीं हर कोई लाइफ में लर्निंग स्टेज पे है तो आपको अगर ऐसा फील आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो मैंने आपको अकाउंट भी सिखा दिया राइट एक होता है क्लास इंटरेस्ट ऑन मैचर कान खोल के ध्यान से सुनना भूलना मत भूलना मत सुनील सर ने कहा था भूलना मत जब भी तुम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करोगे हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू भूलना मत क्योंकि इशू रिडीम इशू पे हो रहा है प्रीमियम डिस्काउंट पार रिडीम किस पे हो रहा है प्रीमियम है या पार पे रिडीम हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है इससे हम जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे क्वेश्चन कहता है कि बीस हजार नाइन परसेंट डिबेंचर्स है तो भैया ये नाइन परसेंट को ही इंटरेस्ट है कूपन रेट बोलते हैं एट द रेट हंड्रेड ईच है जरूरी नहीं है कि बोर्ड में पेपर की पेपर में डिबेंचर के लिए सौ ही देगा वो डेढ़ सौ दो सौ भी दे सकता है हज़ार भी दे सकता है पाँच सौ भी दे सकता है तो समझ के कैलकुलेशन करना क्योंकि हमको पता है दस परसेंट का मतलब दस रुपए बट पाँच सौ का दस परसेंट थोड़ी दस होता है वो पचास होता है इसी तरीके से क्लास सौ का दस परसेंट दस होता है

इस 20 लाख का 9 परसेंट कितना बनेगा इस 20 लाख का 9 परसेंट एक लाख अस्सी हजार तो तुम ध्यान रखना तुम्हें इंटरेस्ट की पेमेंट एक लाख अस्सी हजार की करनी है अब इसकी एंट्री अगर इंटरेस्ट साल में दो बार देते हो तो दो बार करना साल में एक बार देते हो तो एक बार करना तो इंटरेस्ट की एंट्री हो, होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और अगली एंट्री होती है डिवेंचर टीडीएस से एस से बाहर है तो उसकी टेंशन मत लेना डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ओके फिर लास्ट में तुमने ये एंट्री कर दी क्लास यहाँ पे दो बार आपने एंट्री पास कर दी नहीं अगर साल में दो बार ब्याज जा रहा है जैसे एक था तो आधा आधा कर दोगे नाइनटी दो बार में कर देना बट इकतीस मार्च को एक और एंट्री भी पास होगी और वो एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्योंकि इंटरेस्ट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट साइड चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बींग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर या आ, लिख सकते हो डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ओके चलो तो ये क्लास सारी की सारी बातें हो गई यहाँ तक हमने सब डन कर लिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की भी एंट्री हो गई राइट ऑफ की भी एंट्री हो गई अब इस पूरे चैप्टर में दो चीजें बची हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी अदर देन है ध्यान से और अच्छे से समझना कोलेट्रल का क्या कहानी है ठीक है कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब एडिशनल सिक्योरिटी यानी कि लोन लेते हैं तो कुछ प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो गिरवी रखते ही रखते हैं साथ में कुछ एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रख देते हैं जो कि है डिबेंचर बैंक कहता है नहीं भैया कुछ और रखो गिरवी इससे नहीं दे पाएंगे लोन हम कहते हैं लो हमारे डिबेंचर को गिरवी रख लो तो क्या हम उस पर ब्याज देंगे नहीं बिल्कुल भी ब्याज नहीं देंगे जो डिबेंचर गिरवी रखे हुए हैं भैया उस पर हम आपको ब्याज नहीं देंगे तो गिरवी रखे हुए हैं जब ये डिबेंचर आपके हो जाएंगे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तब लेना ब्याज अभी नहीं तो इसमें दो ही बातें होती हैं लोन लिया जाता है लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है बीइंग बैंक लोन टेकन या लोन टेकन फ्रॉम दिस एंड दिस बैंक जो भी है फिर डिबेंचर को गिरवी रखा जाता है और उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान समझना जब तुम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछ रहे आता है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ तो जब तुम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे लिख दोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से बना देना यहाँ पे आता है लॉन्ग uh, टर्म uh, मतलब कि लॉन्ग नॉन करेंट लाइबिलिटी यहाँ पे आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी फिर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट नंबर वन आएगा यहाँ आएगा नोट्स टू अकाउंट्स

एक असेट खरीदते हो तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट जिससे खरीदा उसका नाम लिख देना राइट अगर एक असेट नहीं खरीदते पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हो तो आप एंट्री क्या पास करोगे तो आप एंट्री पास करोगे असेट अकाउंट डेबिट असेट अकाउंट डेबिट असेट डेबिट है लेकिन लाइब्रेट थोड़ी डेबिट होता है लाइब्रेरी तो उल्टा होगा ना क्रेडिट टू वेंडर वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने एसेट खरीदा और इस पर आता है पीसी पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन कि आपने ये पूरा का पूरा खरीदारी कितने रुपए में किया है इतना लिखने के बाद अगर ऊपर कुछ कम पड़ता है वैल्यू तो उसको लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट नीचे कुछ कम पड़ेगा तो उसको लिखोगे कैपिटल रिजर्व गुडविल अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट तो एसेट अकाउंट डेबिट ठीक है टू लाइबिलिटीज टू वेंडर ऊपर कम पड़े तो गुडविल नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व ऊपर कम पड़े तो गुडविल नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व ठीक है ये हो गया पहली एंट्री दूसरी एंट्री अगर आप वेंडर को थोड़ा बहुत पैसे दे देते हो ठीक है पैसे दोगे तो टू कैश चेक से दोगे तो टू बैंक बिल्स से दोगे टू बिल्स पेबल बात समझ आ गई इस तरीके से फिर आप वेंडर को आप डिबेंचर इशू करोगे राइट डिबेंचर इशू करोगे तो वेंडर अकाउंट देखो एक असेट खरीदा तो ये एंट्री पास करना पूरा बिजनेस खरीदा ये एंट्री ध्यान रखना कि आप असेट में वो वैल्यू लोगे जो सेटलमेंट वाला कोई कोई कहेगा अभी मशीन 50 लाख का था सेटल 45 में हुआ है तो 45 वैल्यू लेना है आपको राइट वेंडर अकाउंट डेबिट अटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर वेंडर टू कैश टू बैंक या बिल्स पेबल फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट वेंडर अकाउंट डेबिट Percentage debenture account, और अगर ध्यान समझना परसेंट डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करोगे तो आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और अगर तुम इन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करोगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ये कहानी तो होगी जनरल बट 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें इस टॉपिक में ध्यान रखना है वो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स का तुम्हें जरूर निकाल लेना है कि तुम इतने रुपए के बदले कितने डिबेंचर इशू करोगे अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस अमाउंट पेबल अपॉन इश्यूइंग प्राइस यानी कि कितने रुपए देने हैं लाइक मुझे दस लाख रुपए देने हैं मेरा डिबेंचर सौ का एक है पचास रुपये प्रीमियम तो नीचे डेढ़ सौ आएगा वन फिफ्टी आएगा सौ का हंड्रेड का एक है डिबेंचर ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रीमियम है नीचे वन ट्वेंटी फाइव आएगा हंड्रेड का एक है ट्वेंटी डिस्काउंट है नीचे सेवेंटी आएगा ऊपर आएगा अमाउंट पेबल जितने रुपये क्लास आपको पे करने हैं तो आपको तीन एंट्री करनी है एट्री टू वेंडर वेंडर टू कैश वेंडर टू परसेंट डिवेंचर कुछ बच्चे इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है वेंडर टू 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 कैश तु बैंक प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट इतना कर सकते हो और अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो फिर यहाँ ऑन ऑफ डिचर डेबिट प्रीमियम और एडमिशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट तो कई बच्चे बोलते हैं सर अगर आपने पूरा बिजनेस खरीदा और ये आ कैपिल आपके पास तो क्या इस कैपिलिज से डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हैं यस yes, कर सकते हैं आपके पास आ गया है तो आप कर सकते हो क्या इस प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में सर हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो इसी प्रीमियम से भी राइट ऑफ राइट तो ये थे क्लास सारी के सारी जनरल एंट्री सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दी क्या क्या हो सकता है इसके अंदर शुरू में ही एंट्री बता दिया आपको सिक्योरिटी हो गई आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन हर चीज़ हो चुकी है तो आपका आई होप क्लास आप इसको इस चैप्टर में अच्छे से परफॉर्म कर लोगे टेक केयर बाबा कोई दिक्कत परेशानी अगर है अभी भी बोर्ड में कहीं भी आपको लग रहा है कोई भी दिक्कत है मैं हर चीज़ चल रही है चैनल पर हर चीज वन शॉट से लेकर एवरीथिंग इज रनिंग हर चीज चल रही है कमेंट करो मेंशन करो आखिरी दम तक पेपर के आधे घंटे पहले पंद्रह बट प्लीज इन सबको अच्छे से देखो और सपोर्ट करने के लिए एक सेकंड में शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को ताकि हर किसी का भला हो जाए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनका भला करना चाहते हैं तो इसमें हमारा सपोर्ट जरूर करें टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गॉड ब्लेस यू